कुरने करीम के बारे में नाकाबिल यकीन इन्फॉर्मेशन कुरान हकीम का दावा है कि इसमें कोई बातिल बात दाखिल नहीं हो सकती इसलिए किरण हकीम का एक एक हर्फ इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन और इस हिसाब और किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है कि इसे थोड़ा सा इधर उधर करने से सारी इन्फॉर्मेशन दरहम बरहम हो जाती है कुरने पाक की एजाजी शान नुमाया है इतनी बड़ी किताबें इतनी बारीक कैलकुलेशन का कोई राइटर तस्वर ही नहीं कर सकता अल्फाज बतौर नमूना है वरना कुरान का हर लफ्ज जितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है वो तादाद और उसका पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह इरफान का एक वसी जहान है दुनिया का लफ्ज अगर एक सौ पंद्रह मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो इसके मुकाबले आखिरत का लफ्ज भी एक सौ पंद्रह मरतबा इस्तेमाल हुआ शयातिनों मलाई अट्ठासी मरतबा इस्तेमाल हुआ मौत हयात एक सौ पैतालीस मरतबा इस्तेमाल हुआ है नफ़ो फसाद पचास दफा इस्तेमाल हुआ है हजरो फसल एक सौ आठ दफा इस्तेमाल हुआ कुफर ईमान पच्चीस मरतबा इस्तेमाल हुआ है शहर बारह मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि शहर का मतलब महीना और साल में बारह महीने होते हैं और यौम का लफ्स तीन सौ साठ मरतबा इस्तेमाल हुआ है इतनी बड़ी किताब में इस अददी मुनासिबत का ख्याल रखना किसी भी इंसान मुसन्फ के बस की बात नहीं है मगर बात यही खत्म नहीं होती जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक कुरान हकीम के हिफाजती निज़ाम में उन्नीस के अदद का बड़ा अमल दखल है इस हैरानकन दरियाफ्त का सेहरा एक मशरकी डॉक्टर राशिद खलीफा के सर है जो अमरीका की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे उन्नीस सौ उनसठ में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक कम्प्यूटर पर चढ़ाने के बाद कुरान पाक की आयात उनके अल्फाज अल्फाज्ररूफ में कोई ताल्लुक तलाश करना शुरू कर दिया रफ्ता रफ्तार और लोग भी इस रिसर्च में शामिल होते गए हत्या के उन्नीस सौ बहत्तर में ये एक बाकायदा स्कूल बन गया रिसर्च का काम जो ही आगे बढ़ा उन लोगों पर कदम ब कदम हैरतों के पहाड़ टूट पड़े कुरान करीम के अल्फाज्ररूफ में एक ही जैसी किताब तकदीर नजर आती है जिसके मुकम्मल इधराक के लिए उस वक्त के बने हुए कंप्यूटर नाकाफी थे कलामुल्ला में उन्नीस का हिंसा सिर्फ सूरह मुदस्तर में आया है यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया दोज पर हमने उन्नीस मुहाफिज फरिश्तों को मुक्र कर रखा है इसमें क्या हमत है ये तो रब ही जाने लेकिन इतना अंदाज़ा जरूर हो जाता है कि उन्नीस के अदद का ताल्लुक अल्लाह के किसी खास हिफाजती निज़ाम से है फिर हर सूरत के आगाज में कुरान मजीद की पहली आयत बिस्मिल्ला को रखा गया है गोया कि इसका ताल्लुक भी कुरआन की हिफाजत से है क्योंकि हम देखते हैं बिसमिल्ला के कुल हर्फ भी उन्नीस ही हैं ये देखकर कर शदीद हैरत होती है कि बिसमिल्ला में तरतीब के साथ चार अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इनके बारे में रिसर्च की तो मालूम हुआ कि ये इसम पूरे कुरान में उन्नीस मरतबा इस्तेमाल हुआ है लफ्स अर्रहमान सत्तावन मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि उन्नीस जरब तीन का हासिल है और लफ्स अर रहीम एक सौ चौदह मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि उन्नीस जरब छः का हासिल है और लफ्स अल्लाह पूरे कुरान में दो हजार छ सौ निन्यानवे मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि उन्नीस जरब एक सौ बयालीस का हासिल है लेकिन ये एक रहता है जिसका साफ मतलब है कि अल्लाह की किसी हिसाब की ताबे नहीं है कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी एक सौ चौदह है जो कि उन्नीस जरब तौबा के आगाज में बिसमिल्ला नाजिल नहीं हुई लेकिन सूरह आयत नंबर तीस, मुकम्मल नाजिल करके उन्नीस के फार्मूले की तस्दीक कर दी गई है अगर ऐसा ना हो तो इस हिसाब से ये कायदा नहीं बनता अब आइए हुजूर अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ ये सूरह अलक की पहली पांच आयात हैं और यहीं से उन्नीस के हिसाबी फॉर्मूले का आगाज होता है इन आयात के कुल अल्फाज उन्नीस हैं और इन अल्फाज के कुल हरूफ छिहत्तर है लेकिन बात खत्म नहीं होती जब सूरह अलक के कुल हरूफ की गिनती की गई तो अकल वर्ता हैरत में डूब गई कि गईफ तीन सौ चार हैं जो कि उन्नीस है और अकल ये देखकर हैरत की अथा गहराइयों में मजीद जाती है कि कुरने पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अलग कुरने पाक की छियानवे नंबर सूरत है अब अगर कुरान की आखिरी सूरत वन्नास की तरफ से गिनती करें तो इस अखीर की तरफ से सूरह अलग का उन्नीसवां नंबर बनता है अगर कुरान की इब्तदा से देखें तो इस छियानवे नंबर सूरत से पहले पचानवे सूरतें हैं जो ठीक उन्नीस जरब पाँच का हासिल है इससे ये भी साबित होता है की सूरतों के आगे पीछे तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह तला के हिसाबी निज़ाम का ही एक हिस्सा है सूरह फातिहा के बाद कुरान करीम की पहली सूरह बकरा की कुल आयात दो सौ छियासी है दो हटा दें तो मक्की सूरतों की तादाद सामने आ जाती है और अगर छह हटा दें तो मदनी सूरतों की तादाद सामने आ जाती है छियासी को अट्ठाईस के साथ जमा करें तो कुल सूरतों की तादाद एक सौ चौदह है आज जबकि खिरत को साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है ये कुरान अपना चैलेंज दोहराता है साइंस साइंसदान हर खास आम मोमिन काफिर सब ही सोचने पर मजबूर हैं कि आज भी किसी किताब में ऐसा हिसाबी निज़ाम डालना इंसानी बसात से बाहर है ताकतवर कंप्यूटर की मदद से भी इस जैसे हिसाबी निज़ाम के मुताबिक हर चीज की गलतियों से पाक किसी किताब की तशरी नामुमकिन होगी लेकिन चौदह सौ साल पहले तो इसका तस्वुर ही महाल है लिहाजा कोई भी सही और उल आदमी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि कुरान करीम का हिसाबी निज़ाम अल्लाह का ऐसा शाहकार शाहकारा है जिसका जवाब क़यामत तक कोई नहीं हो सकता दोस्तों चलते चलते हमेशा की तरह वही एक आखिरी बात अर्ज करता चलूं कि अगर कभी कोई वीडियो कॉल वाकया कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगे तो मुताले के बाद मजीद थोड़ी सी जहमत फरमा या देखने के बाद अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए यकीन कीजिए कि इसमें बमुश्किल आपका एक लम्हा सर्फ होगा लेकिन हो सकता है कि इस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर या वीडियो हजारों लोगों के लिए सबक आमोज साबित हो प्यारा इस्लाम की टीम को इजाजत दीजिए फिर किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए असलामकम वरहमत लाही वरकत